हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मामा अर्थ का टी ट्री शैम्पू का रिव्यू। हाँ जी गाइज, मैं ऐसे ही इस शैम्पू का रिव्यू आप लोगों को नहीं दूंगी, मैंने इस शैम्पू को यूज किया है और मुझे लगा है कि ये शैम्पू काफी अच्छा है, इसलिए मैं इस शैम्पू का रिव्यू आज आप लोगों को दूंगी। तो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मामा अर्थ का टी ट्री शैम्पू हमारे बालों से डैंड्रफ को दूर करता है। हाँ जी, अगर आप लोगों को डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप लोगों का डैंड्रफ खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बार मामा अर्थ का टी ट्री शैम्पू जरूर यूज करें। गाइज, बहुत अच्छा शैम्पू ये मुझे लगा, क्योंकि गाइस काफी महीनों से मुझे भी डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने भी काफी सारे घरेलू नुस्खे फॉलो किए, काफी शैम्पू बदले, फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि गाइस डैंड्रफ के कारण मेरे सिर में दाने भी हो गए थे और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा डैंड्रफ कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर गाइस मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिसमें मामा अर्थ शैम्पू के बारे में वो बता रही थी और उसका रिव्यू मैंने और जगह पे पढ़ा और मुझे उसके रिव्यू जो दिखे बहुत अच्छे दिखे और काफी सारे लोगों ने इस शैम्पू को बहुत अच्छा बोला है और ये भी बोला कि ये शैम्पू काफी ज्यादा हद तक वर्क करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये शैम्पू यूज करने से एकदम से हमारा डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शैम्पू को यूज करने से काफी हद तक हमारा डैंड्रफ कंट्रोल हो जाता है। तो गाइज, मैंने भी 6 महीने से मैं इसे यूज कर रही हूँ और मुझे लगा कि ये शैम्पू सच में वर्क करता है, ये हमारे डैंड्रफ को काफी हद तक कंट्रोल करता है, तभी जाके मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू देना अच्छा समझा। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत तंग आ चुके हैं डैंड्रफ से, तो एक बार आप लोग मामा अर्थ का ये टी शैम्पू यूज कर सकते हैं। चलिए गाइज, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि गाइज जो ये मामा अर्थ का टी ट्री शैम्पू है इसमें जिंजर ऑयल भी मिला हुआ है और आप लोगों को ये पता होगा ही कि अदरक हमारी सेहत के लिए तो काफी अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हमारे बालों के लिए भी काफी अच्छा होता है। अगर आप लोग घरेलू नुस्खों को फॉलो करते हैं तो ये चीज आप लोगों को पता होगा कि अदरक हमारे बालों को मजबूत करता है, हमारे बालों से डैंड्रफ को दूर करता है। तो चलिए गाइज, आप लोग इसका रिव्यू देख लीजिए एक बार। सो गाइज, कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये मामा अर्थ का टी ट्री शैम्पू। लोग देख सकते हैं, ये टी ट्री और जिंजर ऑयल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ शैम्पू है और टी ट्री और जिंजर ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा होता है डैंड्रफ के लिए। अगर आप लोगों को जिंजर ऑयल भी मिल जाए तो आप लोग तुरंत जिंजर ऑयल को ले सकते हैं और अपने बालों पे लगा सकते हैं, इससे भी काफी हद तक आपके सिर से डैंड्रफ खत्म हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर। तो आप लोग ये देख सकते हैं गाइस, ये पैराबिन और सिलिकॉन फ्री है। साथ में आप लोग देख सकते हैं ये फॉर ऑल हेयर टाइप है, मतलब कोई भी हेयर वाले, चाहे ड्राई हेयर हो चाहे सॉफ्ट हेयर हो, कोई भी हेयर टाइप वाले इसे लगा सकते हैं। साथ में गाइस इसकी ये आप लोग देख सकते हैं जो मेरे पास ये है, इसका नेट वॉल्यूम 250 ml है और मैं अगर आपको इसका पीछे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है गाइस। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हुए हैं आप लोग ये पढ़ सकते हैं गाइस, साथ में किस तरीके से हमें ये यूज करना है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है। और गाइस इसकी जो सेल्फ लाइफ आप लोगों को मिलेगी वो 2 ईयर की मिलेगी, यानी कि 2 साल की आप लोगों को इसकी सेल्फ लाइफ मिलेगी। सो गाइस, अगर मैं इस शैम्पू के प्राइस की बात करूं तो मुझे जब मैंने ये शैम्पू अपने लिए परचेज किया था तो मुझे ये 349 रुपीज में ही मिला, मैंने अमेजोन से इस शैम्पू को अपने लिए परचेज किया था। और अगर अभी आप लोग इस शैम्पू को अपने लिए लेते हैं तो आप लोगों को अभी ये 286 में मिल जाएगा। गाइस बहुत ही अच्छा ये टी ट्री शैम्पू मुझे लगा, इसका रिव्यू इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा। तो गाइस अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो मुझे इसकी पैकेजिंग कुछ खास अच्छी नहीं लगी है। अगर हम लोग कभी ट्रेवल करते हैं और ट्रेवल में इसे अपने साथ ले जाते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा से दबने पे ही इसका जो सारा शैम्पू है वो बाहर निकल जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी बॉक्स में आया होगा, बस पॉलिथीन पे ये ऐसा ही आया था। सिर्फ ट्रेवल करने के लिए हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ये शैम्पू काफी अच्छा है, लेकिन इसकी पैकेजिंग थोड़ा मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइज अगर आप लोग भी डैंड्रफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि कौन सा ऐसा शैम्पू आप लोग यूज करें तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी मामा अर्थ का टी ट्री शैम्पू यूज करें, इससे काफी जल्दी इस शैम्पू को यूज करने से एक ही बार में आपका डैंड्रफ काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा।
सो गाइज आई होप आप लोगों को इसका रिव्यू जो मैंने आप लोगों को दिया है काफी ज्यादा पसंद आया होगा। गाइज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आप लोग एक बार इसे ट्राई करेंगे ना, आप लोग खुद ब खुद देखेंगे कि आपके बालों से डैंड्रफ काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अगर हम लोग कोई और शैम्पू यूज करते हैं तो उन शैम्पू को यूज करने के बाद हमारे बाल थोड़ा बहुत हमें ऐसा लगते हैं सॉफ्ट हो गए हैं, सिल्की हो गए हैं। लेकिन अगर आप लोग इसे यूज करते हैं तो इससे थोड़ा बहुत, मुझे जहां तक लगा, इससे यूज करने के बाद हमारे बाल थोड़ा बहुत ड्राई हो जाते हैं। लेकिन हमें तो डैंड्रफ से मतलब है, डैंड्रफ हमारा खत्म हो जाता है। बाकी इसमें सारी नेचुरल चीजें हैं जो चीज हमारे बालों को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाती है, हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। गाइस अगर आप लोगों को भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आज से ही आप लोग मामा अर्थ का ये ट्रीटमेंट शैम्पू यूज कर लीजिए, आप लोगों का डैंड्रफ काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को शेयर करके जाना, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो गाइस मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।